हेलो गाइस, आज हम जैकोबियंस पढ़ेंगे कि जैकोबियंस क्या होता है। लेट जैकोबियंस, ओके। लेट यू इज द फंक्शन ऑफ u x कॉमा वाई एंड v इज द फंक्शन ऑफ v x कॉमा वाई। u जो है x और y का फंक्शन है, v भी किसका फंक्शन है? x एंड y का। बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दो u और v दो कंटिन्यूअस फंक्शन है। बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स और वाई क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। U और V हमारे दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑफ X और Y का फंक्शन है, वेयर X एंड Y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सच दैट डेल U अपॉन डेल X, डेल U अपॉन डेल Y, इसके लिए हमने निकाला पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यू किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। देयरफॉर एक्स एंड वाई का पार्शियल डेरिवेटिव। देन वी के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई आर ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, क्यों? क्योंकि यू और वी जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। आर आल्सो कंटिन्यूअस, आर आल्सो कंटिन्यूअस इन एक्स एंड वाई। तो इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देन डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? देन डिटर्मिनांट विल बी डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको मैंने डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिख दिया, ओके ये तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? डिटर्मिनांट क्या है? इज द जैकोबियंस ऑफ यू एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द जैकोबियंस, इट इज द जैकोबियन इट इज द जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ओके। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं जैकोबियन को? जैकोबियन ऑफ यू एंड वी जो हमारे फंक्शंस हैं और वो जिस पे डिपेंडेंट है, एक्स कॉमा वाई और यू कॉमा वी ऑन एक्स कॉमा वाई, दीज आर द टू रिप्रेजेंटेशन फॉर द जैकोबियन। जैकोबियन को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं, जिस जो हमारा फंक्शन है यू और वी हमारा फंक्शन है, और किसका फंक्शन है वो? एक्स और वाई का, एक्स और वाई का। देयरफॉर जे ऑफ यू कॉमा वी अपॉन एक्स कॉमा वाई। अब अगर मुझे इसको
तीन फंक्शंस तीन वेरिएबल के उसमें करना हो तो इफ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड देन जैकोबियन क्या हो जाएगा? तो हमारा जैकोबियन हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड और फॉर डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ये तो क्या डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अगर मुझे जैकोबियन जे लिखकर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यू वी डब्ल्यू जो हमारे फंक्शंस हैं और उनके डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। एक और तरीका बताया था मैंने इस फॉर्म में पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में दैट इज इक्वल टू डेल ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड। ओके नाउ द चेन रूल। व्हाट इज द चेन रूल? चेन रूल क्या होता है? चेन रूल जैकोबियंस का चेन रूल क्या है? इफ यू वी आर फंक्शन ऑफ